अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चिकन ब्रेड कटलेट्स। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 8 से 10 अदद ब्रेड की स्लाइसिस, 1/2 kg हमें कीमा चाहिए, 1 मीडियम साइज का हमें प्याज चाहिए, बहुत ज्यादा बारीक कटा हुआ चाहिए, और 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए चिकन पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच हमें चाहिए लहसुन पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हमें चाहिए अदरक पाउडर, 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, ये 1/2 चाय का चम्मच हमें चाहिए सिंपल नमक, और 1/2 चाय का चम्मच हमें चाहिए चाइनीज नमक, 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच तकरीबन हमें चाहिए तिल, 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए चिली सॉस, 3 से 4 अदद हमें चाहिए सब्ज मिर्च बारीक क्रश की हुई, और 1/2 कप हमें ऑयल चाहिए, 1/2 कप से ज्यादा भी यूज हो सकता है, ये 2 अंडे चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमे में प्याज डालेंगे, फिर इसमें नमक, चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। अगर आपके पास अदरक और लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और चिकन पाउडर अगर स्किप करना चाहें तो वो भी स्किप कर सकते हैं। चिली सॉस, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, सोया सॉस, ये 1 अंडा हम डाल देंगे इसमें। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं थोड़ी सी व्हाइट पेपर भी डाल रही हूँ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो व्हाइट पेपर ना डालिएगा, थोड़ी सी तो मिक्स करेंगे। हमारा कीमा रेडी है, अब हम 1 अंडा लेंगे, मिक्स करेंगे। आप ब्रेड इस तरह भी ले सकते हैं और इस तरह से कट भी कर सकते हैं। इसको मैंने कटोरी की मदद से कट की है, आप चाहे तो ग्लास की मदद से या कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं। हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर एग लगाएंगे, अच्छी तरह से सब चारों साइडों पे एग लगाएंगे। बस हाँ, तो कोई लगा लेती हूँ, फिर ये ब्रेड के ऊपर रखेंगे इस तरह से, फिर से हम एग लगाएंगे, मिक्स करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे तेल। इसी तरह हम सब रेडी कर लेंगे। अभी बस रेडी है, हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको उलट करके डालना है, अगर हमने इसको सीधा ही डाला तो हमारी ब्रेड जल जाएगी और हमारा कीमा कच्चा रह जाएगा। इसको ऐसे डालेंगे, इसको फ्राई होने देंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। हमारी एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड फ्राई करेंगे। हमारी दूसरी साइड फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। हमारे चिकन कटलेट्स रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।